नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजेश। और ये जो हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर का जो पेपर रिवीजन चल रहा था, इसमें ये हमारा अगला भाग है। और कल तक के पार्ट में हम लोगों ने 715 तक के क्वेश्चन देख लिए थे, और आज अगला भाग हमारा 716 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। तो चलिए देखते हैं। M.K. गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। 717 गांधी इनोवेशन, गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य है कम निवेश से अधिक उत्पादन की अधिक लोगों के लिए। 718 खेड़ा सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन तथा चंपारण सत्याग्रह में से वह घटना जो सबसे पहले हुई थी, कौन सी? चंपारण सत्याग्रह। 719 चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था, क्या था? 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। 720 गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में आरंभ किया, चंपारण से। 721 गांधी जी का चंपारण आंदोलन था नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु। 722 सही कथन जो है क्या है? चंपारण जांच में आचार्य JB कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक थे। 723 चंपारण सत्याग्रह में जिन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया था वे थे राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। 724 नंबर, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबद्ध है कौन? राजकुमार शुक्ल। 725 चंपारण आंदोलन से संबंधित थे राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, JB कृपलानी। 726 दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया चंपारण में। 727 महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम जिस किसान आंदोलन में भाग लिया था वह है चंपारण। 728 नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था, किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने। 729 चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही है वह क्या क्या सही है? यह किसानों से जुड़ा था, इसे तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा JB कृपलानी ने इसमें M.K. गांधी को सहयोग दिया था। 730 चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता थे महात्मा गांधी। 731 महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था N.G. रंगा ने। 732 खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का कारण था। अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। 733 नंबर क्वेश्चन, और इसके साथ और भी जो क्वेश्चन है जो किसान आंदोलन एवं किसान सभा से रिलेटेड है, तो देखते हैं। 733 नंबर क्वेश्चन, भारत वर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था बिजौलिया आंदोलन। 734 इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरीशंकर मिश्र, जवाहरलाल नेहरू एवं मदन मोहन मालवीय में से फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था, किसका संबंध नहीं था? जवाहरलाल नेहरू का। 735 नाई धोबी बंद सामाजिक बायकाट का एक स्वरूप जो सन 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। 736 वह प्रदेश जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया अवध था। 737 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे, उनके प्रभाव क्षेत्रों से सही सुमेलित है जो इस प्रकार है। सहजानंद सरस्वती बिहार, खुदाई खिदमतगार NWFP, स्वामी रामानंद हैदराबाद, अब्दुल हमीद खान दक्षिणी असम। 738 1930 के दशक में किसान तथा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे, कौन जुड़े थे? स्वामी सहजानंद। 739 अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य था लगान का नगद में परिवर्तन। 740 अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता की थी, किसने? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। 741 वह जगह जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था, कहां हुआ था? लखनऊ। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे, कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। 743 स्वामी सहजानंद का संबंध था बिहार के किसान आंदोलनों के साथ। 744 स्वामी सहजानंद सरस्वती
भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया उनकी मृत्यु से ठीक पहले। 745 राजेंद्र प्रसाद, सी आर दास, मोतीलाल नेहरू तथा भगत सिंह में से बिहार में किस आंदोलन के साथ जुड़े थे? राजेंद्र प्रसाद जी। 746 जो सही सुमेलित हैं, तो देखते हैं सूची एक और सूची दो में। बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारतीय किसान विद्यालय एनजी रंगा, बंगाल प्रजा पार्टी, फजलुल हक, बकास्त संघर्ष, स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती। 747 बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की मांग थी जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके एक तिहाई करना। 748 बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया था, किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 749 महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण जिस आंदोलन में दी थी, बारदोली सत्याग्रह में दी थी। 750 भूदान आंदोलन प्रारंभ किया विनोबा भावे ने। 751 आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में संबंध स्थान था पुचमपल्ली। 752 भूदान आंदोलन सर्वप्रथम आरंभ हुआ था, कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश राज्य में। अगले जो क्वेश्चन होंगे हमारे ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल से होंगे, जो 753 है। देखते हैं भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की थी वीपी वाडिया ने। 754 अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी, किसने की थी? महात्मा गांधी ने। 755 अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में बंबई में हुए एक प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, किसने की थी? लाला लाजपत राय ने। 756 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। 757 कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय था एम एन रॉय। 758 अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया थे, कौन थे? एम एन रॉय। 759 कानपुर षड्यंत्र मुकदमा जिस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था वह था साम्यवादी आंदोलन। 760 ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था 1926 से 1939 यानी 1926 से लेकर के 1939। 761 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया था, किसने किया था? एम एन रॉय ने। 762 सौमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम है क्रांतिकारी साम्यवादी दल। अब अगले जो क्वेश्चन होंगे हमारे रोलैट एक्ट एवं जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 से रिलेटेड होंगे। तो 763 जो क्वेश्चन है हमारा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रोलैट एक्ट जिस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया वह है? इन लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया। 764 रोलैट एक्ट लाने का प्रयोजन था राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। 765 रोलैट एक्ट भारत में लागू किया था वर्ष 1919 में। और 766 रोलैट एक्ट का लक्ष्य था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संचित प्रक्रिया द्वारा। 767 रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में सही कथन है, रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था और रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी के होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। 768 जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 769 रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिक स्वतंत्रता को सीमित करना। 770 अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम था रॉलेट सत्याग्रह। 771 रॉलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था, किसने दिया था? स्वामी श्रद्धानंद ने। 772 दी अनार्किकल एवं रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में कहा जाता है रॉलेट एक्ट।
773 वह महत्वपूर्ण घटना जो जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी, कौन थी? रॉलेट एक्ट का बनना 774। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था कब? 13 अप्रैल सन 1919 को। 775 जलियांवाला बाग कत्लेआम हुआ अमृतसर में 776। काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में। 777 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे रविंद्रनाथ टैगोर। 778 वह जिसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का परित्याग कर दिया था जलियांवाला बाग नरसंहार के। 779 जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, किसने दे दिया था? शंकरन नायर ने। 780 जलियांवाला बाग नरसंहार डॉक्टर सत्यपाल का बंदी बना जाना तथा वर्ष 1919 का अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन घटनाओं का सही क्रम है। डॉक्टर सत्यपाल का बंदी बनाया जाना, जलियांवाला बाग नरसंहार और 1919 का अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी कब की गई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। 782 जनरल डायर का नाम जुड़ा हुआ है जलियांवाला बाग की घटना से। 783 जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को मार डाला था, किसने? उधम सिंह ने। 784 जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था महात्मा गांधी को। 785 वर्ष 1919 में जघन्य जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय था कौन? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 786 वह घटना जिसे मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया, जलियांवाला बाग का नरसंहार। अगला क्वेश्चन, वह एक्ट जिसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी, फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी, दी रॉलेट एक्ट। अगले क्वेश्चन हमारे खिलाफत आंदोलन से जुड़े हैं, देखते हैं। 788 खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था किसने? शौकत अली मोहम्मद अली ने। 789 खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से थे कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। 790 खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य थे, क्या थे वो मुख्य उद्देश्य? भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना और ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण। 791 सन 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया था, किसे चुना गया था? महात्मा गांधी को। 792 महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। 793 वह जिसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता एक ऐसे अवसर के रूप में देखा था जो 100 वर्षों की भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा, महात्मा गांधी ने। 794 खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी, किसने? हकीम अजमल खान ने। 795 वह जिसने गांधी जी को सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करें, मोहम्मद अली जिन्ना ने। 796 मोहम्मद अली शौकत अली अबुल कलाम आज़ाद तथा एम ए जिन्ना में से महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की प्रार्थना की थी एम ए जिन्ना ने। खिलाफत आंदोलन का परिणाम था हिंदू मुस्लिम मतभेदों की में कमी आई। 798 वह भारतीय जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया, स्वामी श्रद्धानंद ने। दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो हमारा ख़त्म होता है, और वीडियो के ख़त्म होने से पूरी तरीके से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ आप जो भी सोशल नेटवर्किंग साइटें हैं या जो भी और भी चीज़ें हैं आप उनके थ्रू आप शेयर कर सकते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप हुआ हमारा और फेसबुक हुआ, आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।